नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स काउंटर में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस नाम में समझ में आ रहा है कि चार्ज कभी मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी के बारे में जो जो फिनोमिनन होते हैं उन सबको पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ एक मैग्नेट टाइप का चीज दिख रहा है जो अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं बताया। तो मैग्नेट, हालांकि क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, ऐसे पढ़े। होता क्या है, बेसिकली इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल जो एंड फेसिंग, जो भी ऐसे मान लेते हैं अगर ये मैग्नेट है और इसका एक पोल अगर फ्रीली सस्पेंड कर दे इस मैग्नेट को, तो ये जिस डायरेक्शन में होता है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करे उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन को फेस करता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि भाई हम जानते हैं लाइट पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाए तो क्यों रिपेल क्यों नहीं कर रहा है, और साउथ पोल है तो साउथ डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, और अगर जा रहा है तो रिपेल क्यों नहीं कर रहा है, इसको तो उल्टा होना चाहिए था। तो ये एक चीज है जो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, इसका आंसर हो सकता है मैं इस चैप्टर के एंड में बताऊं या आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊं, पर ये दिमाग में आपके आना चाहिए फिलहाल। अब क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, साउथ पोल में इंसर्ट होती है, आउटसाइड अनसाइड क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। क्वेश्चन एक और अराइज होता है, हमें कैसे पता चला कि नॉर्थ से ही निकला और साउथ में ही जा रहा है, ये कैसे हमें पता चला। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर अराइज होता है। ठीक है, इसका भी हम जिक्र करेंगे, या आप लोग खुद से ही चीजें पूछ सकते हो, देखो दिमाग लगाओ, वरना मैं तो आंसर दूंगा ही हूं। ठीक है, तो फिलहाल एक और एक चीज आया, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा रिलेटेबल है पर आंसर नहीं है उसका। क्या किया ऑरेस्टेड ने, क्या किया था, एक बार मैग्नेट लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर नीचे रख दिया और ऊपर से आयरन की फिलिंग डाल दी। जब उन्होंने आयरन फिलिंग डाली तो उसके बाद जो पैटर्न हमको मिला, एक जो भी पैटर्न मिला आयरन फिलिंग का, उस पैटर्न को हम लोगों ने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न। राइट, वो किस तरह का मिला, कुछ इस तरह का। ये सपोज कर लेते हैं कि कोई एक मैग्नेट है, तो अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और ये रे ऐसे करके एक्सचेंज कर रही। ठीक है, तो कुछ ऐसा पैटर्न हमको देखने को वहां पर विजिबल हो रहा था। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, राइट। तो ये ऐसा हमको देखने को मिला, तो हमने भाई ये देख लिया। अब उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, करंट सर्किट बनाया करंट का, और वहां पर उन्होंने इस सर्किट में मैग्नेटिक कंपास होता उसका यूज किया। तो सर्किट में मैग्नेटिक कंपास का यूज करने के साथ चेक किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंपास को कुछ ऐसी जगह रखा, फिर ऐसी जगह रखा, मतलब कुछ इस तरह से रखने की कोशिश करते करंट में, बट ऐसा सर्कुलर देखा, तो अपने आप सर्कुलर देखते देखते उनको एक विजिबिलिटीज दिखी कुछ ऐसा जो इस बात को और पक्का कर रहा। कैसे पक्का कर रहा था देखते हैं, उसने पक्का किया कुछ ऐसे, यहां से लाइन की, यहां से ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर हम इसको पूरा मिलाए तो कुछ ये पैटर्न पूरा पूरा इस तरह का दिख रहा है। तो ये चीज मिला तो ये पक्का करता है कि हाँ, करंट कैरिंग सर्किट जो है वो भी एक मैग्नेट के तरह ट्रीट करता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरह से क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहां तक तो उन्होंने बताया मैग्नेट के बारे में। अब हम क्योंकि मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है हमने ऐसा ही काम किया और एक ऐसा काम कर दिया, ये तो रहा होगा कि हाँ मैग्नेट क्या होता है, मूविंग चार्ज मैग्नेट कैसे फील करता है। अब अगर कोई एक मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेटिक एक फील्ड है, बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और दूसरी एक है साउथ, तो ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन को चाहिए होगी, मैग्नेटिक की नहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चाहिए होगी, होगी ना। अब ये डायरेक्शन, ठीक है, इसके जो सराउंडिंग नोड्स है वो आपको किसी भी जगह मिल जाएंगे, बट मैं सराउंडिंग नोड्स हो सकेगा कि मैं इसके नीचे एक गूगल ड्राइव की एक लिंक आपको शेयर करूंगा जिसमें सारे नोट्स लिखे होंगे। ठीक है,
तो आप वो ले सकते हो, दे सकते हो, वहां पर सारे नोट्स आपको इससे रिलेवेंट मिलेगा। परंतु यहाँ पर रहते हैं एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल हम मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है ऐसे, उसकी वी वेलोसिटी है और यहाँ पर वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो उस चार्ज पार्टिकल को कुछ फोर्स फील होगा। वो फोर्स क्या होगा? लॉरेंज ने ये फोर्स बताया और बताया कि ये फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज उसके पास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और आप देख रहे हो यहां पर एक एंगल भी है, ठीक है, तो ये एफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, ठीक है, तो ये भी होगा। तो इन चारों से एक रिजल्टेंट हमारे पास निकला, वो निकला एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आप कह रहे हो सर ये तो प्रोपोर्शनल है और यहाँ इक्वल्स टू कैसे रखे, हम चाहते हैं एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा लगा देंगे और यहाँ एक एयर है तो फॉर एयर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या कोई भी एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स के हिसाब से भी जानते हैं। अब इसको अगर हम और अच्छी तरह से देखें तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि साइन थीटा थीटा एंगल किसके बीच का है, वी और बी के, तो इसको वेक्टर फॉर्म में वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो दिस इज व्हाट इज लॉरेंट फोर्स, ओके क्लियर। तो यहां पर अभी पूरी चीज नहीं हुई, ये तो हुआ कि जब ऐसा होता है, अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब कि ये ऐसे एंटर सीधा ऐसे जा रहा होगा, तो इसको एक फोर्स फील होगा, फोर्स कैसा फील होगा, वेलोसिटी ये हुई मैग्नेटिक ऐसे होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने लगाया मैग्नेटिक फील्ड ये, तो चार्ज जो है वो अंदर की ओर जाना खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से लिया कि आपका फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इसमें ये किस लिए होता है, फोर्स को फाइंड करने के लिए। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आपको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप देख लो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, तो ये क्या लिखो, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करेंट, ठीक है। तो यहां से देखो क्या है, फादर मदर करेंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल नंबर टू, तो यहां पर देखा होगा राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, तो यहां पर हमने सेम वे चलाया, क्या कर दिया, जो थंब की डायरेक्शन थी राइट हैंड की, ये हो गया हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और ये हो गया हमारा राइट हैंड पाम रूल, नंबर टू, एक नंबर वन भी है वो अभी बाद में आएगा। तो वहां पर क्या लिखना है, यहां पर ये थंब के लिए हो गया, ये हमारा ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हो गया हमारा राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, तो ऐसे लगाएंगे जिसमें थंब जो है वो करंट दिखाएगा, ये जो है फोर फिंगर वो हो गई आपके मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मतलब ये चार फोर फिंगर, और पाम की डायरेक्शन जो हो गई वो हो गई हमारी फोर्स की, तो पाम की हमारी हो गई फोर्स, ये हो गया हमारा थंब और ये हो गया हमारा एफ ओ यू आर फोर फिंगर, ये एफ ओ आर, तो ये हो गया, यानी कि आप देखो लगा के देखो, ये फादर मदर चाइल्ड मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, हम इसको फिक्स कर दिया, अब इसके हिसाब से इसको देख रहे हैं, करंट सेम चार फिंगर और ये फोर फिंगर दोनों डायरेक्शन में, और उसका जो पाम डायरेक्शन है वही इसके थंब की डायरेक्शन है, दिख रहा है, तो ये हमारा फोर्स है। तो जब हम ऐसा लगाते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो चार्ज है वो अंदर की ओर जाएगा, और धीरे धीरे जब अंदर की ओर जाएगा तो फिर वापस ऐसे, यानी उसका पाथ जो होगा वो कुछ पाथ ऐसा होना चालू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ। तो F इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका पाथ हमारा ऐसे हेलिकल पाथ होना चाहिए, हेलिकल होता घूमना चालू कर जाएगा इस तरह से। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगा,
एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी, ठीक है ये बात समझ में आती है। पर अगर एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी है और एक हेलिकल पाथ कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रहा होगा, तो जो भी मोशन उसका है हम एक तरफ से अगर देखें तो सेंट्रीपेटल फोर्स और दूसरी तरफ से देखें तो मैग्नेटिकल फोर्स, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ सेंट्रीपेटल क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ले लिया और यहां पर क्यू वी भी ले लिया, फिर वेलोसिटी तो उसकी सेम है, ठीक है। अब सपोज करते चार्ज पार्टिकल का मास एम था और वो आर रेडियस का पाथ से वो घूम रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी वी है, चार्ज का क्यू और किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो इंसर्ट जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो उसकी बी है, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एम दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो यहां से बी कैंसिल हो आर गैप क्यू इधर आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ओके। अब ये हो गया इसका जो रेडियस है जिस रेडियस से घूम रहा है वो हमें निकल गया एम वी अपॉन क्यू बी। अब हमें निकालना है कि कितने सेकेंड में वो एक चक्कर लगा रहा है, तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, सर्कुलर है तो 2 पाई आर, स्पीड कितनी है वी, आर की वैल्यू क्या है एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा एम अपॉन क्यू बी, इसका बी और इसका बी कैंसिल आउट, सो आर टी की वैल्यू कितने है 2 पाई अपॉन क्यू बी। हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो इसे कितने चक्कर लगा रहा है 1 अपॉन टी यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम है, इजी बात समझ में आया, कुछ नहीं है इसका, ये है क्या कि फोर्स निकालना था ऑन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो फोर्स हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका उसकी वजह से जो उस पर रेडियल पाथ रहा था उसकी रेडियस निकाल ली, उसका टाइम पीरियड भी निकाल दिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया। ये जो फॉर्मूले है ये बहुत ही काम की है, बहुत ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है, तो आप फॉर्मूले को एक साथ एक जगह ले सकते हो और हो सके तो सारे मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप सब एक साथ एक जगह लिखना चालू कर देते हो, ताकि जब भी न्यूमेरिकल लगाओ तो सामने हमारे पास न्यूमेरिकल का पूरे फॉर्मूले मेरे पास सामने और लगाना चालू कर दे, इससे क्या होता है आपको याद हो जाता है, ठीक है आप नोट कर। तो अब हम बात करते हैं कि एक कोई कंडक्टर है जिसको जिसके अंदर करंट बह रहा है और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स आएगा, हम देखते हैं कितना आया, यानी कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है अगर ऐसा होता है तो कितना करंट उसमें कितना फोर्स उसमें आएगा, तो हम जानते हैं कि एक रिलेशन था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमने रिलेशन पढ़ा था कहां पर आपका इससे पहले वाला चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी राइट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र था है ना, तो यहां पर वही वेलोसिटी है उसके हिसाब से हम करंट निकाल रहे हैं, पर देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है कैसे हमें पता चलेगा, यानी कि किसी कंडक्टर में जिसका एल लेंथ का है आप ले सकते हो इसको ऐसे कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वी वेलोसिटी, वेलोसिटी वैसे है ही नहीं यहां पर हैविंग आई करंट एंड जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि जब करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ होगी, अब वो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर जिक्र होता है, तो हमने निकाला कि सिंस इन अ मूविंग कंडक्टर सॉरी इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज द एरिया दिस इज द चार्ज क्यू इज इक्वल टू होता है ना कितना उस पर चार्ज है तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये एन जो होता है सिंस एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हैं राइट, या फिर कैपिटल एन इज इक्वल टू एन ए एल बोल सकते हैं राइट, बात समझा गया।
तो हमने ये चीज आई इक्वल्स टू एन ई ए बी भी हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स हमारे पास जो आया वो कितना है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी होता है, क्यू वी बी राइट। यहां पर अगर किसी क्यू चार्ज जो है जो भी इलेक्ट्रॉन है वो विंडी वेलोसिटी से जा रहे होंगे, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू वी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे राइट, टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एन ए एल, एन ए एल राइट, इंटू ई वी डी बी, यही तो। अब यहां से वी डी की वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तो वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अपॉन एन ई ए, यही तो आ रहा है। तो यहां पर हमने रखा एन ए एल इंटू ई, ठीक है, और वी डी की जगह आई अपॉन एन ई ए इंटू बी, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एन से एन कैंसिल, क्या आ गया, आई बी एल राइट, बात क्लियर है, ओके। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी से, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, साइन थीटा को पकड़ा था ना, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल था, यहां पर वही वेलोसिटी उस एल लेंथ की कंसीडर होगा, तो यहां पर भी एंगल आएगा साइन थीटा इसी के साथ, ठीक है, साइन थीटा। तो यहां पर हम इसको भी ऐसे एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में आई बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर लिख दिया, बी एल साइन थीटा, ये बात समझ में आ गई। तो फोर्स और करंट का कैरेक्टर इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आई बी एल या आई बी एल साइन थीटा, क्लियर है, नहीं क्लियर है, ओके, नोट कर लो आप लोग। इसके बाद क्या हमारे पास, बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसे वायर का यूज होता है, उस पे आई डायरेक्शन, आई करंट इस डायरेक्शन जा रही है। अब ये कोई डीएल लेंथ है, कितने लेंथ है, डीएल लेंथ है, तो डीएल लेंथ की वजह से किसी आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आर डिस्टेंस पर किसी आर डिस्टेंस बी पॉइंट पर इसकी वजह से जो होगी वो हम उसको ऐसे बोलते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने चार पॉइंट बताए, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, ठीक है, ये थीटा क्या है, आई और आर के बीच का है, आई बोल रहे डीएल और आर के बीच का, ठीक है, इसीलिए बताया थर्ड पॉइंट, और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन और आर स्क्वायर। तो हम इन चारों पॉइंट से ये मिला कि बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल डीबी, लिखो ना डीबी, क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल, सो डीबी इज इक्वल्स टू आई डीएल अपॉन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम है परमेबिलिटी। सो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां पर एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे यहां परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है। अब आप कहोगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थीटा जो था वो डीएल और आर के बीच का था, तो डीबी जो होगा हमारा वो डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखने गया, डीएल आर साइन थीटा लिखेगा, साइन थीटा गया और ये क्या हो जाएगा आर क्यू, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको और अच्छे तरीके से मॉड में आर वेक्टर का होल क्यूब ले दो, तो ये भी तो एक मैग्नीट्यूड ही लिखा होगा,
सो दिस इज द बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. एम आई क्लियर? ठीक है. और कोई बस गया? बस नोट कर लीजिए. आपको एक चीज और, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10^-7 एंड द यूनिट बी की वैल्यू होती है वेपर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. ठीक है.